बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपको आज इस्लामियत का जो है फर्स्ट चैप्टर और उसका पार्ट थ्री, ठीक है, क्लास थर्ड के बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने आपको चैप्टर शुरू करवाया था तो आपको बताया था कि ईमान क्या होता है, ठीक है, और फिर ईमान जो है वो आपको बताया था कुछ बातों पर यकीन रखने को, दिल से तस्दीक करने को, जबान से इकरार करने को ईमान कहते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें थी जिसमें हमने कहा था कि उस पर यकीन रखने को कहते हैं ईमान? तो सबसे पहला आपको बताया था तौहीद, यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना, ठीक है, कि भाई इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। और फिर दूसरे नंबर पे हमने आपको रिसालत के बारे में बताया कि रिसालत पर यकीन रखना भी ईमान कहलाता है और इसका क्या मतलब होता है। आज जो है हमारा इसका तीसरा और आखिरी टॉपिक होगा, तीसरी बात जिस पर हम यकीन रखें, पक्का, बिल्कुल पक्का यकीन हो हमें कि, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, तीसरी बात जो है वो क्या है, वो है आखिरत, ठीक है। तो आज का जो है हमारा टॉपिक क्या है, आखिरत। आखिरत का मतलब क्या होता है? आखिरत का मतलब है बाद में आने वाली, बाद में आने वाली, यानी हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं ये दुनिया आरजी है, ठीक है, और ये चंद रोजा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि इस कायनात की, इस दुनिया की एक एक चीज़ जो ख़त्म हो जाएगी और फिर इसके बाद तमाम चीज़ों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और फिर जो है उनको उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, और फिर जो उन्होंने काम किया होगा, अच्छे काम किए होंगे तो उसका अच्छा बदला, और जो बुरे काम किए होंगे तो उनका बुरा बदला उनको मिलेगा। अच्छे कामों की सूरत में जन्नत मिलेगी और बुरे कामों की सूरत में जो है वो जहन्नुम मिलेगी। तो इस बात पर ईमान रखना कि असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी आरजी है, ये क्या कहलाता है, आखिरत पर ईमान कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? तो आखिरत पर ईमान जब तक आप नहीं रखेंगे, आपका ईमान मजबूत नहीं होगा, आप मुसलमान नहीं हो सकते। जिस तरह अल्लाह ताला को एक माने बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते, बिल्कुल इस तरीके से आखिरत पर ईमान लाना भी बहुत ज़रूरी है। और आखिरत पर ईमान लाने की अहमियत को आप इस तरह से कह सकते हैं कि अकीदा तौहीद के बाद अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया है, अकीदा आखिरत पर जोर दिया, ठीक है। तो आखिरत क्या होता है, सबसे इसके पॉइंट्स लिखते हैं मेन मेन, मजीद मरने के बाद की जिंदगी को आखिरत कहते हैं, ठीक है, लिखा है ना बाद में आने वाली, तो मरने के बाद की जिंदगी को आखिरत कहते हैं, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो दुनिया है आरजी और खत्म होने वाली है, ठीक है, ये दुनिया आरजी और खत्म होने वाली है, यानी हमेशा रहने वाली नहीं है ये दुनिया, एक वक्त ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो तमाम लोग मर जाएंगे और फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तीसरी बात जिस पर हमारा ईमान होना चाहिए, तमाम लोग मर जाएंगे और फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे, ठीक है, और फिर जब जिंदा किए जाएंगे तो फिर क्या होगा कि तमाम लोग जो है वो अपने हिसाब अमाल का जवाब देंगे, तमाम लोग क्या करेंगे फिर अपने अमाल का जवाब देंगे। अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, ठीक है, और ये सब काम जो है, बल्कि पूरा का पूरा अमालनामा पेश किया जाएगा,
हमने दुनिया में जितने भी काम किए होंगे अच्छे बुरे, वो सबके साथ अल्लाह ताला के सामने मौजूद हैं, वो पूरा एक रिकॉर्ड है, वो हमें अल्लाह ताला के जो है हमारे सामने पेश करेगा कयामत के दिन। और फिर हम जब उसको देखेंगे तो हमें समझ भी आएगा कि ये क्या है, क्योंकि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप जो काम भी कर रहे हैं अपनी दुनिया में जिंदगी में, वो आपका अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये रिकॉर्ड करने का काम कौन कर रहा है, ठीक है? तो ये रिकॉर्ड करने के लिए, आपके तमाम अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। और ये फरिश्ते, एक फरिश्ता जो है वो आपके अच्छे कामों को लिखता है, जो जो काम कर रहे हैं आप नेकी कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, और दूसरा फरिश्ता जो है वो आपके बुरे कामों को लिख रहा होता है, बुराइयां लिख रहा होता है। तो आपने जिंदगी में जितने जितने बुरे काम किए, किसी का दिल दुखाया, किसी चोरी की आपने, कभी झूठ बोला जिंदगी में, तो ये सारे के सारे काम आपके जो है वो बुराई लिखने वाला फरिश्ता लिख रहा है। ये फरिश्ते क्या कहलाते हैं? करामन कातिबीन, ठीक है? तो अब अगला पॉइंट है अमाल का रिकॉर्ड। कौन कर रहा है? करामन कातिबीन लिख रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? आखिरत के बारे में आपका क्या क्या यकीन होना चाहिए? आपको यकीन होना चाहिए कि मरने की बात की जिंदगी जो आखिरत को आखिरत कहते हैं, और ये दुनिया आरजी और खत्म होने वाली है, तमाम लोग मर जाएंगे और फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे, फिर तमाम लोग क्या करेंगे, अपने अमाल का जवाब देंगे, यानी कि उसने जिंदगी में जो किया होगा अच्छा बुरा उन सबका बताया, अल्लाह ताला पूछेगा और आप उसका फिर जवाब देंगे, और ये तमाम के तमाम अमाल कैसे सामने आएंगे वो जिंदगी में रिकॉर्ड हो रहे हैं। कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं? वो दो फरिश्ते करामन कातिबीन, ठीक है? फिर उसके बाद जब ये रिकॉर्ड अल्लाह ताला के सामने पेश होगा फिर क्या होगा? यकीनन फिर उसके मुताबिक फैसला होगा, उसके मुताबिक फिर क्या होगा? फैसला होगा। फिर क्या होगा? नेक लोगों को, नेक लोगों को जन्नत मिलेगी, ठीक है? और बुरे लोगों का ठिकाना क्या होगा? बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नुम होगा। जिसने अपनी जिंदगी में नेकियां की होंगी, अच्छे अच्छे काम किए होंगे, अल्लाह ताला खुश होगा, उनको जन्नत में भेज देगा, जहां बेशुमार नेमतें होंगी, और वो हमेशा उसमें रहेगा। ये दुनिया तो आज ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो आखिरत की जिंदगी है उस वो कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। लिहाजा जब जिसको जन्नत मिलेगी वो पूरी हमेशा जन्नत में ही रहेगा, और जो जिसको दोजख मिलेगी दोजख में जाएगा वो हमेशा दोजख में ही रहेगा, ठीक है? तो इसलिए हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना शुरू कर देना चाहिए, अपने अमाल को दुरुस्त रखना चाहिए, ताकि जो है हमें हम अल्लाह ताला जन्नत में ही भेजे। उसके बाद क्या होगा? आपको ये भी मान रखना चाहिए कि आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है, ठीक है? यानी कभी खत्म नहीं होगी, आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। तो ये समाज, जब इस तमाम बातों पर यकीन होगा, आपका ईमान होगा, तो आप आखिर क्या, किस बात की जरूरत है? हमारे इस बात की जरूरत है कि हम आखिरत को दुरुस्त करने के लिए क्या करें, आप जो है अभी से काम शुरू कर दो। आखिरत को दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हम जो है अच्छे अच्छे काम करें, नेक काम करें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको खुश रखें, उनके अपने बड़ों की खिदमत करें, उनका अदब करें, एहतराम करें, और जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की नेमतों को ज़ाया ना करें, ठीक है? अच्छे अच्छे काम, और जो है चोरी से बचे, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है वो काम हम हरगिज़ ना करें, और अल्लाह ताला ने जिन कामों को हुक्म दिया उसको करें, बुरे कामों से बचे रहें, तो इंशाल्लाह ताला आखिरत हमारी अच्छी होगी और अल्लाह ताला खुश होकर हमें जन्नत में भेज देंगे। तो ये आखिरत को बेहतर करने के तरीके हैं कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को खुश रखें, अल्लाह ताला पर ईमान रखें, अल्लाह ताला के नबियों पर हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, और रिसालत और आखिरत पर भी हमारा यकीन हो हमें। तो ये सब अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, इनाम के तौर पर हमें जन्नत में भेज देंगे और दोज़ख के अज़ाब से हमें बचाएंगे, ठीक है?
समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से बात? आपकी बुक का पेज पढ़ रही हूँ मैं, जरा गौर से सुनिएगा। आखरत, मरने के बाद की जिंदगी को आखरत कहते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा और हम हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। सही है ना? हमें मरना है और हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? अल्लाह ताला के सामने जाएंगे और फिर अल्लाह ताला हमसे हमारा हिसाब किताब लेगा, हमसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, सारी बातें। और फिर हमें तो याद भी नहीं होंगी, अल्लाह ताला फिर वो रिकॉर्ड जो वरिष्ठों ने तैयार किया था वो हमारे सामने पेश किया जाएगा और फिर अल्लाह ताला बताएगा कि देखो तुमने ये किया ये किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहाँ इंसाफ होगा, वहाँ किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा और जो जिसने जैसा किया होगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे दुनिया में लोग रिश्वत देकर सिफारिश करवा के जो है वो अपने काम निकलवा लेते हैं, वहाँ कोई किसी से किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, रिश्वत नहीं चलती वहाँ। वहाँ इंसाफ और मबनी जो है वो फैसले होते हैं, तो अल्लाह ताला इंसाफ के साथ फैसला करेंगे और जो लोग नेक होंगे उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो किसी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, नेक लोग जन्नत में दाखिल होंगे और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नुम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आगे क्या कहते हैं, बच्चों हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की तौहीद, पैगंबरों की रिसालत और आखरत पर यकीन रखें, नेक और अच्छे काम करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमें इनाम के तौर पर जन्नत में जगह दें और दोजख के अजाब से बचाए। ठीक है, समझ में आ गई? तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश होकर हमें जन्नत में भेज दे और हमें दोजख से बचाए। जी, समझ में आ गई? सब बच्चे अपनी कॉपीज निकाल लीजिए जल्दी से, आज का क्लास वर्क करेंगे। मरने के बाद की जिंदगी को डैश कहते हैं, मरने के बाद की जिंदगी को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं मरने के बाद की जिंदगी को? जी बताइए, आखिरत कहते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा जी, आगे देखिए, हिसाब किताब के बाद हम डैश के सामने पेश होंगे। हिसाब किताब के लिए हम हिसाब किताब के बाद हम डैश के सामने पेश होंगे। इसके सामने पेश होंगे जाइए, अल्लाह ताला के सामने। ठीक है, आप लोग इसको फिल करते हैं साथ के साथ। ठीक है, तीसरी खाली जगह की क्या है? तीसरी खाली जगह है अमाल का रिकॉर्ड डैश करते हैं। ठीक है, डैश फरिश्ते करते हैं। कौन से करते हैं? अमाल का रिकॉर्ड डैश लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? बताया था ना अभी आपको, कौन? करामन कातबी। शाबाश, करामन कातबी। ठीक है, चिता समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाए। ठीक है,
एमसीक्यूज है आपका, नेक लोगों को डैश में दाखिल किया जाएगा। नेक लोगों को डैश के तौर पर, दोबारा से पढ़ेंगे मैं, नेक लोगों को डैश के तौर पर जन्नत में भेजा जाएगा। जन्नत में भेजा जाएगा जी, तो किस तौर पर? इनाम के तौर पर, तोहफे के तौर पर या हदीये के तौर पर? ठीक है, बताइए। आपको इनाम के तौर पर, आपको इनाम मिलेगा ना, अच्छे काम करेंगे तो आपको तोहफा के तौर पर भेजेंगे या इनाम के तौर पर? आपकी बुक पढ़ें, आपकी बुक में लिखा होगा, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है नेक लोगों को इनाम के तौर पर जो है वो जन्नत में भेजा, हमें इनाम के तौर पर जन्नत में भेजा जाएगा, जन्नत में जगह दे। ठीक है, अगला देखें, हमें चाहिए कि अल्लाह की तौहीद, पैगंबरों की रिसालत और डैश पर यकीन रखें। हमें चाहिए तौहीद, रिसालत और डैश पर यकीन रखें, और डैश पर यकीन रखें। ठीक है, तो किस पर रखें? फरिश्तों पर रखें, यकीनन फरिश्तों पर भी होने चाहिए, और आसमानी किताबों पर, या फिर आखरत पर। ठीक है, आप बताइए आपकी बुक में क्या मौजूद है? आपकी बुक में जो है, देखिए, आपको फरिश्तों पर भी ईमान होना चाहिए, ठीक है ना, और रिसालत पर भी ईमान होना चाहिए, और इसके साथ साथ आसमानी किताबों पर भी ईमान होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में जो है क्या दिया हुआ है? अल्लाह की तौहीद, पैगंबर की रिसालत, तो आखरत पर एक होना चाहिए, तो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर? आखरत। समझ में आ गया जी। उसके बाद सबने कर लिए क्लास वर्क, चले बच्चे जल्दी से होमवर्क की तरफ आ जाए। जी बच्चों, आज का होमवर्क, सब बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। सवाल नंबर एक क्या है? आखरत किसे कहते हैं? ठीक है, आपने आखरत की डेफिनेशन लिखनी है जो कि मैंने आपको बताई थी। सवाल नंबर दो क्या कह रहा है? सवाल नंबर दो आपका कह रहा है, हिसाब किताब के बाद लोगों को कहाँ भेजा जाएगा? हिसाब किताब के बाद लोगों को कहाँ भेजा जाएगा? तो आपको मालूम है कि जो नेक लोग हैं उनको जन्नत में, और बुरे लोगों को दोजख में भेजा जाएगा। ठीक है, अगला है, अल्लाह ताला हमसे कैसे खुश होगा? बताइए अल्लाह ताला हमसे कैसे खुश होगा? अल्लाह ताला हमसे कैसे खुश होगा? पता है आपको?
अगर हम नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। ठीक है, आखिरी सवाल है, हमारे अमाल का रिकॉर्ड कौन से फरिश्ते लिख रहे हैं? हमारे अमाल का रिकॉर्ड कौन से फरिश्ते लिख रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? ये आपका होमवर्क था और आज आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया है। आप ये क्वेश्चन, आपके आंसर आप घर पे बैठ के लिखेंगे और साथ साथ इस पूरे चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, नए चैप्टर के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।